नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरिहंत क्लासेस में। दोस्तों अभी अभी TGT की भर्ती हुई है और उस भर्ती पे केस हुआ है। आज इसमें सटे होने वाला था लेकिन सटे से बच गए हैं। मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा किस कारण ये केस हुआ है और क्या अगली नेक्स्ट डेट लगी है, सभी केस की डिटेल शेयर करूंगा। जो भी बच्चे TGT भर्ती से संबंधित हैं या वीडियो में इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैटर है, किस कारण केस हुआ है। ये देखिए, अभी मैं आपको माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर आप केस की डिटेल देख सकते हैं। ये केस कल ही रजिस्टर हुआ है 30 जुलाई को। यहाँ आप देख सकते हैं 30 जुलाई 2024। तो डायरी नंबर वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं इसका 102-62-492 है। और यहाँ पे कैटेगरी क्या है इसकी, सर्विस मैटर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। वे एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये TGT का केस है जो अभी नई ज्वाइनिंग हुई है। इस पर पार्टी डिटेल है अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वही स्टेट अजय कुमार केस करने वाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार से है ये। और केस अर्जेंट में लिस्ट हुआ था क्योंकि ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है, उससे संबंधित है ये। तो इसमें अभी नेक्स्ट डेट मिली है 5 अगस्त को। अब मैं आपको बताता हूँ केस क्या था। जो अजय कुमार हैं और कुछ और बच्चे हैं, इन्होंने केस किया भाई HSSC सरकार के ऊपर, इनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। और इन्होंने बोला है बाहर क्यों किया गया है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम बताई गई, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था इस कारण इनको बाहर किया गया है। और इससे संबंधित इसमें एडवोकेट देखिए, इन्होंने अंकुश सिद्धार्थ जी किया है। आप सभी जानते हैं अंकुश सिद्धार्थ जी को। अंकुश सिद्धार्थ जी की तरफ से जब कोर्ट में अपनी दलील दी गई तो उसमें ये बताया गया भाई इन्होंने काफ़ी अच्छी दलील दी है। और ये HSSC को इनको अभी नेक्स्ट 5 अगस्त तक जवाब देना है कि भाई इन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन स्टे होने से इसलिए बच गए क्योंकि HSSC बोला भाई हम बच्चों की ज्वाइनिंग करा चुके हैं, अब इस पे स्टे नहीं हो सकता, अगर ज्वाइनिंग नहीं होती तब तो स्टे हो जाता। आप यहाँ देख सकते हैं अर्जेंट में 130 नंबर पे था ये केस, यहाँ भी लिखा हुआ है। और होनरेबल मिस्टर जस्टिस हैं जो त्रिभुवन दहिया जी, इनके पास था कोर्ट रूम नंबर 13 में। जैसे ही आज का ऑर्डर आता है दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी 5 तारीख को देखते हैं इसमें क्या होगा। जहाँ तक अगर ये बच्चे एलिजिबल होंगे तो इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, या रिजल्ट रिवाइज होगा तभी पता लगेगा क्या होता कैसे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जैसे ही जो भी इसकी फर्दर डिटेल आएगी या अंकुश सिद्धार्थ जी से बात होगी तो मैं आपके साथ वो डिटेल शेयर करूँगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।